23 अगस्त को शाम 6:04 के करीब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इससे पहले देश भर में चंद्र मिशन की सफलता के लिए पूजा पाठ और दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में वाराणसी में लोगों ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भगवान शिव की पूजा और हवन किया, साथ ही वैज्ञानिकों की सराहना की। आज यहाँ पे हम लोग काशी नगरी में बाबा भोलेनाथ के मंदिर पर आज हम लोग यह प्रार्थना करते हैं कि भारत के जितने वैज्ञानिक साइंटिस्ट लगे हुए हैं चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने के लिए, और उनके द्वारा की गई कोशिश को हम लोग सादर प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। रामनगरी अयोध्या के संत भी चंद्रयान की सफलता के लिए ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। संत समाज ने इसे देश के लिए गौरव का पल बताया। मैं चंद्रयान की सफलता के लिए लगातार मैं पूजा पाठ भी कर रहा हूं और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, और निश्चित रूप से यह एक नया इतिहास बनने जा रहा है, पूरी दुनिया भारत की ओर आज देख रही है। मैं रामलला से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच करके और वहां के चित्र और वहां के सूचनाएं देश को दे। चंद्रयान की सफलता की दुआ करने वालों में मुस्लिम भी पीछे नहीं हैं। बाबरी केस में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी इनमें शामिल हैं। अल्लाह से एक दुआ भी करते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक इतना आगे बढ़ जाएं और इतना आगे बढ़ाएं कि हमारे देश का झंडा जो है वो कोई मुल्क के लोग जाए तो वहाँ पहले से तिरंगा मौजूद हो। चंद्रयान पे जो है 3 दिन के अंदर पहुँचने की बात है, और जो है हर आदमियों के ऊपर अल्लाह की एक दुआ रहे कि चाहे वो वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक हमारे यहाँ अगर वैज्ञानिक पे जो है बेहतर रहेंगे तो पूरी दुनिया के लोग जहाँ जाने की सोचेंगे हमारे देश के वैज्ञानिक वहाँ पहले से मौजूद रहे। भोपाल में भी मंगलवार को लोगों ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भगवान शिव की विशेष पूजा की। भगवान शिव का गण है चंद्र, तो चंद्रमा चंद्र हो जिसके शिखर पर वो चंद्रयान अवश्य सफलता हासिल करेगा और अवश्य जो है उसकी निर्विघ्न लैंडिंग होगी, इसकी कामना के लिए यहाँ पर विशेष रुद्राभिषेक किया जा रहा है। संस्कृति बचाओ मंच द्वारा यहाँ विशेष रुद्राभिषेक किया जा रहा है। आगरा में भी लोग चंद्रयान 3 की सफलता के लिए विशेष हवन पूजन कर रहे हैं। जो हमारा चंद्रयान 3 जो सकुशल लैंडिंग के लिए आज राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने आह्वान करा, और इसी तरह हमारा वैज्ञानिक आगे बढ़े और पूरे विश्व में हमारा देश विश्व गुरु बने, इसी की कामना के लिए आज हमने प्रभु से प्रार्थना की और आह्वान किया। मुंबई के मलाड़ में चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर में भी इसरो वैज्ञानिकों की सफलता की कामना करते हुए हवन पूजन किया गया। हमारे मुंबई के मलाड़ में चंद्रमौलेश्वर महादेव भगवान का मंदिर है। चंद्रमा जो कि महादेव के शीश पर विराजते हैं, तो हमने यह संकल्प लिया कि हे महादेव आप प्रसन्न हो जाइए, आप अपने शीश पर विराजे हुए चंद्रमा को कहिए कि शीतल हो जाएं, हमें आशीर्वाद दें कि हमारे इसरो द्वारा हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास द्वारा बनाए गए चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंडिंग दे अपने यहाँ, और हमारे भारत का नाम पूरे दुनिया में लहरा जाए, हमारा तिरंगा पूरे दुनिया में लहराए। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण 23 अगस्त 2023 को शाम 5:20 से इसरो की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और डीडी नेशनल टीवी चैनल समेत कई प्लेटफॉर्म पर होगा। चंद्रयान 3 की सफलता से भारत रूस अमेरिका और चीन के बाद चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 4th और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला 1st देश बन जाएगा।